हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारियों और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ। सर्दी का मौसम आ रहा है, इस समय पर बहुत सारे लोगों को खांसी आता है, जुकाम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी प्रकार के खांसी के दवाइयों के बारे में। जैसे कि अब लोगों को खांसी जो है ये दो प्रकार का आता है, कुछ लोगों को सूखी खांसी आता है, कुछ लोगों को बलगम वाली खांसी आता है। तो खांसी के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है सूखी खांसी में, बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनको कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो खांसी होता है ये क्या होता है। अब देखते हैं, आप लोग खांसी आता है तो बहुत ज्यादा छींक आता है, कुछ लोगों को सूखी खांसी आता है, कुछ लोगों को बलगम वाली खांसी आता है। तो खांसी की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक बलगम वाली खांसी आता है और एक सूखी खांसी आता है। ये दो कैटेगरी के खांसी आते हैं लोगों को। आप सभी लोगों को पता है ये बात कि खांसी दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें इंग्लिश भाषा में कहा जाता है ड्राई कफ और वेट कफ। वेट कफ का मतलब होता है बलगम वाली खांसी, ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी, समझ गए। और कोई भी अगर आप मान लीजिए क्या सिरप लेते हैं अगर खांसी का, तो उसके ऊपर भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है ये ड्राई कफ है, ये वेट कफ है, ये चीज वहां पर लिखा रहता है। तो सारी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इस वीडियो में आप लोगों को हर प्रकार की खांसी के सभी दवाइयों के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, अगर ना कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ड्राई कफ मेडिसिन के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनमें कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं, ये भी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर दवा की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है डेक्सोमेथाफ्रेन होता है। डेक्सोमेथाफ्रेन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हमारे ब्रेन के कफ को, ब्रेन के जो कफ का सेंटर होता है उसको सप्रेस करने का काम करता है। क्या करता है ये, एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हमारे ब्रेन के कफ के क्या करता है, कफ के सेंटर को सप्रेस करने का ये काम करता है, जिस दवा का नाम होता है डेक्सोमेथाफेन टेबलेट। दोस्तों, अगर हम अगले दवा के बारे में बात करें, अभी आप लोगों को सूखी खांसी की दवा के बारे में बता रहे हैं, ड्राई कफ के बारे में मतलब अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनमें कौन सी दवाइयां दिया जाता है, तो सबसे पहला मेडिसिन आपको बताया डेक्सोमेथाफेन टेबलेट। अगला जो मेडिसिन होता है उसका नाम होता है, वो होता है क्लोरोफेनिरामाइन। क्लोरोफेनिरामाइन जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होता है। ये जो होता है एलर्जी को ठीक करने का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी के नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, रनिंग नोज हो रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करता है क्लोरोफेनिरामाइन मेडिसिन। समझ गए, रनिंग नोज हो रहा है, वाटरी आइज हो गया है, सीजिंग हो रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, वो सारी चीजों को ठीक करने का काम करता है क्लोरोफेनिरामाइन टेबलेट। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है फेनिलफ्रिन। फेनिलफ्रिन टेबलेट जो होता है इसका काम होता है कि ये क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी का नाक जाम हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं नेजल कंजेशन, मतलब नाक जो है जाम हो गया है, तो अगर किसी का नाक जाम हो जाता है तो उनको एंटी नेजल कंजेशन का दवा दिया जाता है, मतलब जो नाक जाम होता है वो ठीक हो जाए। समझ गए आप लोग। तो इसके लिए कौन सी दवा दिया जाता है, फेनिलफ्रिन मेडिसिन दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है अगर किसी का नाक जाम हो जाता है तो उसके लिए। दोस्तों, अब आप लोगों को ये तो कुछ मेडिसिन हो गए, आप लोगों को मैं अभी तक कुछ मेडिसिन, जैसे आपने देखा होगा अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उस केसेस में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनको दवाइयां कुछ दे देते हैं, जिससे मान लीजिए अगर किसी का नाक जाम हो गया है या फिर अगर किसी को एलर्जी हो गया है, अगर मान लीजिए नॉर्मल रूप से किसी को एलर्जी हो जाता है, बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन में सिट्रीजिन दे दिया जाएगा, लियोसिट्रीजिन हो गया, एविल हो गया, ये कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है जो कि दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेडिसिन होता है जो कि अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है, इनमें नाक से पानी आ रहा है, ये भी हो रहा है, कुछ एलर्जी हो गया है, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन में ये भी मेडिसिन दिया जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर पेशेंट लोग करते हैं और डॉक्टर लोग ज्यादा से ज्यादा उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या बताने जा रहे हैं आप लोगों को, अब आप लोगों को सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं, ड्राई कफ सिरप के बारे में, कि अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनमें कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं, वो सिरप को जान लीजिए। अब देखिए, सिरप अलग अलग प्रकार के बहुत सारे होते हैं, एक सिरप नहीं होता है कि केवल एक ही सिरप आता है ड्राई कफ के, ड्राई कफ के बहुत सारे सिरप आते हैं। तो नॉर्मली कौन कौन से होते हैं चलिए उसको जान लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला सिरप होता है वो होता है कोरेक्स टीएक्स।
एक कोलेक्स डीएक्स के नाम से आता है, एक आता है टूस वास के नाम से, TUSWAS जो कि सेल्यू के नाम से भी फेमस होता है, एक होता है बेनाड्रिल, बेनाड्रिल भी एक ड्राई कफ सिरप होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, और एक होता है रेड ओलॉक डी करके होता है, ये भी ड्राई कफ सिरप होता है, समझ गए। इसी प्रकार से कफ सील होता है, समझ गए, जो कि ये भी ड्राई कफ सिरप होता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी सिरप लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको सूखी खांसी आ रहा है और आपको डॉक्टर ने वेट कफ सिरप दे दिया है, तो आपको कैसे अनुमान लगेगा, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये सूखी खांसी के लिए है कि कफ वाली खांसी, अगर किसी को मतलब बलगम वाली खांसी आ रही है उनके लिए है। इसका पहचान करने के लिए वहां पर छोटा सा नाम के बगल में नीचे लिखा रहता है ड्राई कफ सिरप, या तो वहां पर लिखा रहेगा वेट कफ सिरप। तो ये जो सारे के सारे आप लोगों को सिरप बता रहे हैं, ये सारे जो सिरप आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ड्राई कफ सिरप हैं, जिसको सूखी खांसी आ रहा है उसके लिए ये सारे के सारे सिरप हैं। आई होप जितना बात आपको बताया है वो सारी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों को मैंने कुछ नहीं बताया है, बस महत्वपूर्ण आधा टॉपिक कंप्लीट किया है। पहले बताए हैं कि जो खांसी आता है ये कितने प्रकार का होता है, एक सूखी खांसी आता है, एक बलगम वाली खांसी आता है। फिर आपको पहला बताया है कि अगर किसी को सूखी खांसी आता है तो उनमें कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है, ये तो बात पूरा बता दिया है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया अगर किसी को सूखी वाली खांसी आ रहा है तो उनमें कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं, ये दो बात आई होप आप सभी लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कौन सी खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी आ रही है, लेकिन बलगम वाली खांसी को जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए, अगर किसी को सूखी वाली खांसी आ रहा है, एलर्जी ज़्यादा हो गया है, ये सिरप खाने से, ये दवा खाने से नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन का इस्तेमाल कौन सा किया जाता है उसको भी चलिए जान लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन जो होता है वो होता है डेक्सोमेथासोन एंड एविल। दोस्तों डेक्सोमेथासोन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो कि यूज किया जाता है एंटी इंफ्लेमेटरी के लिए और इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, इम्यूनो सप्रेसिव ये होता है, समझ गए। एविल का काम क्या होता है, एविल जो होता है एक प्रकार का एंटी हिस्टामिनिक है या फिर एक प्रकार का क्या होता है एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, समझ गए, जो कि एक प्रकार का सीडेटिव एक्शन भी करता है। मतलब इसको एविल खाने के बाद अगर मान लीजिए आप एविल मेडिसिन ही खा लेते हैं तो एविल खाने से एलर्जी ठीक होता है, एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन तो होता ही है, लेकिन ये एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन भी होता है, इसको खाने से नींद भी आता है, समझ गए आप लोग, तो इसको भी ठीक करने का काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन होता है जो कि डेक्सोमेथासोन और एविल दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है। इनका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को क्या हो गया है, एलर्जी हो गया है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, एडिमा हो गया है, रेडनेस या फिर स्किन पर कहीं पर हो गया है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, कफ बन गया है, रेजेज हो गया है, समझ गए आप लोग, लैक्रिमेशन हो गया है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करता है। तो ये दोनों चीजों को मिला करके भी लगाया जाता है, अगर किसी को एलर्जी बहुत ज्यादा हो गया है तो डेक्सोमेथासोन और एंटी एलर्जी का जो एविल आता है ये दोनों मेडिसिन को मिक्स करके आपस में लगाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल ये मेडिसिन होता है, समझ गए आप लोग। तो ये इंजेक्शन होता है जो कि अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा खांसी आ रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके इसमें इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अगर दवाइयों की बात करें तो कुछ और भी दवाइयां होता है, जैसे कि मोंटेयर एलसी के नाम से फेमस होता है, जो कि मोंटेलुकास्टोडियम लियोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट ये होता है, समझ गए, जो कि एंटी एलर्जिक एंड अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है उसको ठीक करने का ये काम करता है, जो कि मोंटेयर एलसी के नाम से फेमस होता है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई, आई होप आप लोगों को इतना बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपको मोंटेयर एलसी मेडिसिन। और भी कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे कि मोक्सिकाइंड हो गया, मोक्सिकाइंड जो होता है इसके हम लोग बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट। मोक्सिकाइंड भी काफी ज्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उन केसेस में इन टैबलेट का भी इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है, किसका, मोक्सिकाइंड का, ये भी यूजफुल मेडिसिन होता है, समझ गए आप लोग। अगर मान लीजिए आप कोई भी टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप गैस्ट्रिक का भी एक मिला करके ले सकते हैं, अगर मान लीजिए गैस का प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ साथ गैस की भी दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, समझ गए आप लोग। अगर कहें गैस की मेडिसिन कौन कौन सी होती है तो गैस की मेडिसिन में आपको ट्रिक बताया हूं कि अगर किसी दवाइयों के लास्ट में टीडीन आता है या फिर पराजुल आता है तो उससे आप समझ जाएंगे कि वो एक प्रकार का क्या है, एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, दोनों में प्राजोल आया हुआ है, रेनेटिडिन, सिमिटिडिन, दोनों में टिडिन आया है, तो एक प्रकार का गैस्ट्रिक मेडिसिन है, तो इसको भी मिला करके दिया जाता है, समझ गए आप लोग। तो ये हो गया मोक्सिकाइंड, जिसके क्या होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट, ये होता है जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आई होप इतना बात तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आते हैं अपने दूसरे मुद्दे के बारे में, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जो कि आपको बताया अगर किसी को खांसी आता है तो दो प्रकार का खांसी आता है, एक सूखी खांसी आएगा और एक क्या आएगा, हाँ बलगम वाली, ये दो प्रकार की खांसी आते हैं।
तो सूखी खांसी के बारे में कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होता है, कौन कौन से सिरप होते हैं, जितने सिरप बताए हैं वो सारे सिरप नहीं इस्तेमाल करना है, उनमें से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो आप लोगों को सूखी खांसी के बारे में अभी तक सारी बात बता दी है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है अगर किसी को मान लीजिए बलगम वाली खांसी आ रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेट कफ, अगर किसी को हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं। आई होप आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे होंगे, बोर मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। आगे बताने से पहले एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि मैंने आप लोगों के लिए एक बुक बनाया है, अगर आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग उसको जरूर परचेज कर सकते हैं। वो बुक टोटल 600 पेज का है, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर का आप लोगों को पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। ये जो बुक है इसका प्राइस मात्र 499 रुपये है। ये बुक आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। इस बुक को कैसे लेना है, इस बुक को लेने के लिए आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा, उस पर जो क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी ही नंबर पर आपको पेमेंट करना है 499 रुपए, वहीं पर आप लोगों को बुक भी मिल जाएगा और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी वहीं पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, जो प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं ले सकते हैं। हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा वहां पर। चलिए बात करते हैं अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनमें कौन सी दवा दिया जाता है। सबसे पहली बात जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, या फिर कह सकते हैं ब्रोंकियोस की इनर मेम्ब्रेन की म्यूकस को सेक्रेट सेल से ये बनता है, ये बहुत ज्यादा म्यूकस बन जाता है जिससे हमारा नाक जाम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा कफ निकलेगा जब खांसी आएगा। तो इसके लिए कभी कभी चेस्ट का एक्सरे भी कराया जाता है, इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या यहाँ पर भी नहीं ना बहुत ज्यादा बलगम जम गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को टीबी भी हो जाता है तो उस केसेस में भी एक्सरे चेस्ट का कराया जाता है, और इन केसेस में भी चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, इससे भी अनुमान लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उनमें कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों की बात करें दोस्तों तो जो सबसे पहला मेडिसिन होता है वो होता है सोलबुटामॉल, या फिर कह सकते हैं सोलबुटामॉल भी इस्तेमाल किया जाता है, लियोसोलबुटामॉल भी इस्तेमाल किया जाता है, टैरबुटालिन। देखिए दोस्तों, सोलबुटामॉल, लियोसोलबुटामॉल, टैरबुटालिन, ये सारी दवाइयों का काम क्या होता है, ये सारी दवाइयों का काम होता है कि जो हमारा ब्रोंकियाई है वो कंट्रैक्ट हो गया है। जैसे कि एग्जांपल क्या दूं आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रोंकियाई है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ये इतना अगर फैला हुआ है तो मतलब नॉर्मल है, सांस आसानी से हम अंदर बाहर कर सकते हैं। लेकिन ये मान लीजिए इस तरह से सिकुड़ गया तो आप देखेंगे बीच में एकदम थोड़ा सा पतला सा जगह बचा हुआ है ना, नहीं तो ये मान लीजिए ये है, ये ब्रोंकाई है, समझ गए, दिख रहा है ना, ये ब्रोंकाई है, इतना ज्यादा यहां पर जगह है, ये नॉर्मली सांस ले पा रहे हैं, लेकिन ये अगर मान लीजिए सिकुड़ गया है तो सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इसे बोलते हैं कि हमारा ब्रोंकाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है। क्यों सिकुड़ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कफ बन गए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा म्यूकस हो गए हैं, इसके कारण हमारा ब्रोंकाई जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होता है, नाक जाम हो जाता है, इससे भी सांस लेने में दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा कफ निकलता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को बताएं सालबुटामॉल, लियोसोलबुटामॉल, टैरबुटालिन, ये सारी दवाइयां जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन होता है, जो कि हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, समझ गए। और जब हमारा ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ बन गया है तो उस केसेस में हमारा ब्रोंकाई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नाक भी जाम हो जाता है, ये सारे देखे जाते हैं। तो उस केसेस में ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है सोलबुटामॉल, लियोसोलबुटामॉल, टैरबुटालिन, ये सारी दवाइयों का काम होता है कि हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करना, समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में दोस्तों। जो अगला मेडिसिन है वो है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल जो होता है वह एक प्रकार का म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक का मतलब क्या होता है, ये म्यूकस को ब्रेक करना, ये जो होता है म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है ये म्यूकस को तोड़ करके बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा म्यूकस जम गया है, एकदम जाम हो गया है, तो इसको ये क्या करता है, इसको ब्रेक करके तोड़ तोड़ करके बाहर निकालने का काम करता है। जब पूरा का पूरा म्यूकस बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। तो इनका काम यही होता है, किसका काम होता है, एम्ब्रोक्सोल का काम होता है, ये एक ऐसी दवाइयां होता है जो कि म्यूकोलाइटिक होता है, म्यूकस को ब्रेक करके ये बाहर निकालने का काम करता है। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगले मेडिसिन की बात करें वो होता है गिवाफेंसिन। गिवाफेंसिन जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ये भी क्या करता है, म्यूकस को बाहर निकालने का काम करता है। नॉर्मल म्यूकस हमारा जो नॉर्मल म्यूकस होता है वो हल्का फुल्का होता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में म्यूकस हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम होता है। अब देखिए हल्का फुल्का तो लोगों को कफ बनता रहता है, नॉर्मली हल्का फुल्का कफ तो हमेशा बनता रहता है, लेकिन उसकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, एकदम जाम कर देता है,
तो उसको ये बाहर निकालने का काम ये भी दवा करता है, समझ गया, इसका भी काम वही होता है, सेम होता है। अगले दवा के बारे में बात करें, वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेप्सिल। स्ट्रेप्सिल जो होता है एक प्रकार का चेस्टी कफ होता है, इनका काम क्या होता है, ये भी जैसे मान लीजिए नाक जाम है, गला खराब है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। और एक आता है मोंटेयर एफेक्ट्स, मोंटेयर एफेक्ट्स भी काफी ज्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, जो कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो ये दो दवा के बारे में बताएं। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रहा है, वो भी कफ वाली खांसी आ रहा है, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कफ वाली खांसी आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए वेट कफ सिरप कौन कौन से होते हैं, मतलब बलगम वाली खांसी के लिए कौन कौन से सिरप होते हैं जिसे वेट कफ सिरप बोला जाता है, तो कौन कौन से वेट कफ सिरप होते हैं, चलिए एक एक करके अब उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर वेट कफ सिरप की बात करें तो सबसे पहला होता है वो होता है अस्थलीन। अस्थलीन जो होता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देख रहे हैं अस्थमा से रिलेटेड जुड़ता हुआ दिख रहा है। अस्थमा का मतलब क्या होता है, अस्थमा का मतलब होता है दमा। अगर किसी को दमा हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो ये एक प्रकार का अस्थलीन सिरप होता है, जो कि अगर मान लीजिए किसी को क्या हो रहा है बलगम वाली खांसी आ रहा है तो सांस लेने में दिक्कत होगा, तो उस केसेस में अस्थलीन सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। उसी तरीके से एक होता है क्या होता है ब्रोजेक्स, ये भी होता है। एक होता है कपसील, लेकिन आप कपसील में देखेंगे यहां पर ड्राई कफ सिरप नहीं लिखा गया है, यहां पर वेट कफ सिरप लिखा गया है, तो ये भी होता है। एक होता है जेनकोप, ये भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ये भी एक प्रकार का वेट कफ सिरप होता है। एक होता है जेनकोप, ये जो सारे के सारे सिरप होते हैं ये एक प्रकार का वेट कफ सिरप होता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है और यूजफुल होता है और पॉपुलर भी होता है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, समझ गए आप। कुछ और भी सिरप होते हैं उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं, वो है आपका जो कहते हैं ब्रोविस ए। ब्रोविस ए भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ब्रोविस ए के नाम से ये फेमस होता है। एक होता है मेल्टेड सिरप, जिसमें डेक्सामेथाप्रेन होता है, डेक्सामेथाप्रेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोफेनेरामाइन मेल्टेड सिरप ये होता है, जो कि एक प्रकार का शुगर फ्री होता है। शुगर फ्री क्यों होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बलगम वाली खांसी आता है, बच्चों के लिए देखिए शुगर वाला बनाया जाता है जिससे बच्चे आसानी से उसको पी सकें, लेकिन जो अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे बड़े लोगों को शुगर की बीमारी रहता ही है, तो उनके लिए ये जो बनाया गया है ये एक प्रकार का शुगर फ्री सिरप होता है, इनमें शुगर की मात्रा नहीं होता है, शुगर के पेशेंट भी इसको आसानी से ले सकते हैं, उसके ऊपर लिखा भी रहेगा कि ये शुगर फ्री है, समझ गए, जिससे आसानी से शुगर का पेशेंट भी ले सकता है। नहीं तो बलगम वाली खांसी आ रहा है और आप शुगर फ्री वाला नहीं ले रहे हैं और दूसरा वाला सिरप पी लिए तो शुगर का लेवल और भी बढ़ जाएगा, तो एक बीमारी से छुटकारा मिलेगा साथ ही साथ दूसरा बीमारी बनकर के तैयार हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए आप लोग। तो ये दवाइयां हो गया। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अगर किसी को खांसी आ रहा है तो हर प्रकार की खांसी के बारे में आपको बता दिए हैं कि सूखी खांसी अगर आ रहा है तो उनमें कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, बलगम वाली खांसी आता है तो उसके लिए कौन कौन सी दवाइयां होता है, जुकाम की बात करेगा किसी को सर्दी जुकाम बुखार नाक से पानी आँख से पानी अगर बह रहा है तो उसको ठीक करने के लिए एक सोलेविन कोल्ड का मेडिसिन आता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सारी की सारी बात आपको एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता दी है। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं दबा लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। और जाने से ज्यादा पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।